तथागत गौतम बुद्ध, लाखों करोड़ दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे मंच पर आसीन भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण और हमारे पड़पागंज के फूल सिंह बौद्ध जी, वे हमारे बीच में मंच पर आसीन जुगनू चौधरी जी स्थानीय निगम पार्षद, वे सभी सम्मानित साथीगण, माताएं बहनें बुजुर्गों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत देर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार मैं जय भीम बोलूंगा, सभी लोग बोलेंगे जय 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 भीम, जय 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 भीम। बीच वाले लोगों की आवाज नहीं आई थोड़ी सी, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 127वीं जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व के एक ऐसे विश्व रत्न हैं कि जिनकी जयंती पूरे विश्व में पूरे साल मनाई जाती है। केवल उनके जन्मदिवस के मौके पे नहीं, बाबा साहब का जन्मदिवस 14 अप्रैल को आता है, लेकिन इस देश में उनके अनुयायी उनके जन्मदिवस को पूरे विश्व के अंदर पूरे साल मनाते हैं। ये सबसे बड़ी जयंती पूरे विश्व में बाबा साहब की मनाई जाती है, इसलिए हम लोग बहुत सम्मान पात्र हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विश्व रत्न हमें मिले और भारतीय संविधान का निर्माण हो पाया। साथियों, इस देश में जिस तरह के माहौल में आज ये देश जिस तरह के माहौल से गुजर रहा है, उस माहौल के ऊपर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बाबा साहब के विचारों के बारे में तो हमारे साथी बंधुओं ने बड़े गीत के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को यहाँ प्रकट किया और लोगों को गीत के माध्यम समझाने की कोशिश की कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया और इस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना कुछ दिया कि मैं या मेरा पूरे परिवार या पूरा समाज बाबा साहब को अपने चमड़े की जूती पहनाकर भी दे दे तो भी हम बाबा साहब का एहसान और कर्ज नहीं उतार पाएंगे। लेकिन आज इस दौर से देश गुजर रहा है कि बाबा साहब ने इस देश में संविधान के निर्माण किया, इस देश के शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, इस देश के समाज को जीने का अधिकार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज बाबा साहब के स्टैचू को उनकी रक्षा करने के लिए आज 3-3 पुलिस वाले लगाने पड़ रहे हैं। इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इस देश के अंदर, आज बाबा साहब के स्टैचू के ऊपर 3-3 पुलिस वाले लगाने पड़ रहे हैं। इस देश में दलित समाज को पूरे देश में आंदोलन खड़े करने की जरूरत आन पड़ी। जगह जगह 2 अप्रैल को देश में शांतिपूर्ण आंदोलन हुए और उस आंदोलन को होने के बाद भी जिसमें हमारे कई युवा साथी शहीद हुए, सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि और उन्होंने इस समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे इस देश के अंदर, लेकिन उन सरकारों को, उन गूंगी बहरी सरकारों को, उन मनुवादियों के पेट में दर्द हो गया कि आज दलित समाज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक जगह के ऊपर इतनी भारी संख्या में बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दल के, बिना किसी संगठन के कैसे एकत्रित हो गया, उनके अंदर भूचाल आ गया, उनके पैरों की जमीनें खिसक गई। लेकिन बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ के, नौकरी छोड़ के, धंधा छोड़ के, घर छोड़ के उस आंदोलन में भाग लिया और दिखा दिया कि आखिर जो लोग कहते हैं कि दलितों में एकता नहीं है, दलित समाज बिखरा हुआ है, उन लोगों ने दिखा दिया कि आज भी इस देश के अंदर दलित समाज की भागीदारी, हम लोग बहुजन लोग हैं, 85% की हम लोगों की हिस्सेदारी है और हम लोग इस देश के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमें भागीदारी भी लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आज इस देश में आपने हर मंच से देखा होगा कहते हैं इस मंच को राजनीति से दूर रखो, बड़े बड़े नेता भाषण देते राजनीति दूर रखो, अरे मैं कहता हूं इस देश में राजनीति के बिना है क्या, इस देश की राजनीति तय करती है क्या रोटी खाओगे नहीं खाओगे, आपके घर में खाना बनेगा नहीं बनेगा, आपके घर का बजट क्या होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, आपके बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, ये राजनीति तय करती है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, राजनीति आप मत करो, मेरा बेटा करेगा, मेरा बाप करेगा, मेरा खानदान करेगा, लेकिन आप मत करो। लेकिन राजनीति के बिना तय क्या होता है इस देश के अंदर,
इस देश में कुछ तय नहीं होता। तभी बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि इस देश में अपनी दीवारों पे लिख दो कि आपको इस देश का हुक्मरान बनना है। बाबा साहब ने कहा था कि संसद की ओर इशारा है और भारत देश हमारा है। आज इन्हें उस इशारे से भी डर लगता है, आज इनकी जमीनें हिल गई हैं, आज इन लोगों को उस इशारे से भी डर लगता है कि जो बाबा साहब ने कहा था। तो हमें इस देश का हुक्मरान बनना, भाई साहब हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। साथियों, तो आज लड़ाई बहुत कठिन है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें एकित होना कैसे है, हमें एक प्लेटफॉर्म पकड़ना कैसे है। बाबा साहब के विचारों को आज पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं बाबा साहब के विचारों को हर घर के अंदर पहुंचा रही हैं, हर जगह जगह पहुंचा रही हैं, और आज का युवा जाग रहा है, वो समझ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, वो समझ पा रहा है कि बाबा साहब का हमारे जीवन में योगदान क्या है। आज जिस नौकरी पे जिस पोस्ट पे मैं बैठा हुआ हूँ वो बाबा साहब की देन है, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि वहां तक पहुंच भी पाऊं। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की देन है। एक शेर कहना चाहूंगा कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में डल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में डल गए, एक भीमराव थे जो वक्त का सांचा बदल गए। बाबा साहब डॉक्टर ने उन विषम परिस्थितियों के अंदर इस देश का सांचा बदल दिया और इस देश को एक भारतीय संविधान दे दिया जिसके आज हम इज्जत की जिंदगी हम लोग जी पा रहे हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें उस शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब के बोल थे। तो बाबा साहब के एक एक बोल के अंदर, बाबा साहब के एक एक उसके अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई है। अगर हम उसको भी मान लें, उसका भी हम अध्ययन कर लें और बाबा साहब को पढ़ लें, तो हमें जरूरत नहीं है किस चीज की। लेकिन आप लोगों को यह भी सोचना पड़ेगा कि आज बहुत सारे संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, बहुत सारे संगठन आज इस देश को तोड़ने की ओर लगे हुए हैं, इस देश में त्राही त्राही मचाने की ओर लगे हुए हैं। वो हिंदू को हिंदू से, मुसलमान को मुसलमान से, और दलित को दलित से, और पिछड़े को पिछड़े से आज लड़ाने की कगार पे खड़े हुए हैं और इस देश को बांटने की पूरी मुहिम तय कर ली है। लेकिन हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान के अंदर हमारी आस्था है। हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मिटने देंगे, हमारी जान चली जाए लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देंगे। 1989 का एट्रोसिटी एक्ट, 1989 का एट्रोसिटी एक्ट जिसके ऊपर पूरे देश में आज भोकाल मचा हुआ है, वो 1989 में हमें वो अधिकार मिला, लेकिन उसको आज खत्म करके कुछ सरकारों ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन आज भी अध्यादेश लाने की कगार पे नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं जी आपका पारा गर्म कितना होगा, क्योंकि उनकी मुहिम तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा है एक, ये एक्ट तो बहुत छोटी सी चीज है, उनकी मुहिम तो भारत के आरक्षण को खत्म करने की है, भारत के संविधान को खत्म करने की है, क्योंकि ये समाज, ये जो संविधान है ना, ये समता की बात बताता है, ये समृद्ध भारत की बात बताता है, ये एकता की बात बताता है, भारत की अखंडता की बात बताता है, लेकिन ये इस देश को मनुस्मृति और मनु के संविधान से चलाना चाहते हैं, ये लोग इस देश को मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, इसलिए ये इस भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा टेलर इन लोगों ने आपके बीच में छोड़ा था कि आप लोगों में आज भी आप जिंदा हो या मर गए हो, क्योंकि आपके आंदोलन ये दिखाते हैं कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं। तो आप लोगों ने दिखा दिया कि ये समाज आज जिंदा है, ये समाज जिंदा खड़ा हुआ है, तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, आप लोगों को सबको भी जाना है, प्रोग्राम भी अपने समय में चलेगा। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।